हाँ भाई बच्चों, देखो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होना है CUET का, तो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, उन क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आएंगे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस बार क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है जो है CUET का एग्ज़ाम जुलाई में होना है, जो हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन का वेटेज होगा, कॉग्निटिव लेवल पे, डिफ़िकल्टी लेवल पे और उनके जो है टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले कॉग्निटिव लेवल अगर हम देखें, मतलब एक तरह से कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, तो कॉग्निटिव लेवल में एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 20% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जबकि रिकॉल के क्वेश्चन जो है 30% आएंगे। ठीक है, जिसको आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में समझ होनी चाहिए, तो वो 50% होंगे, जिनको आप याद करके करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो वो 30% है, और कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो 20% आएंगे। डिफ़िकल्टी लेवल पे अगर हम जाते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होने वाला है पेपर का, तो ईजी टाइप के क्वेश्चन 25% आपके आने वाले हैं, मीडियम टाइप के क्वेश्चन 60% होने वाले हैं और डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो है 15% आएंगे आपके। ठीक है, ये डिफिकल्टी लेवल डिफाइन किया गया है, तो 15% क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के होंगे, इजी लेवल के 25% और मीडियम लेवल के 60% होंगे। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे आपके, जैसे आपको पता है 50 क्वेश्चन आने हैं मान लिया। ठीक है, तो एक सेक्शन में हमारे पास 50 क्वेश्चन जब आ रहे हैं, तो उनमें जो 60% क्वेश्चन होंगे, यानी जो लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, वो सिंपल एमसीक्यू बेस होंगे, क्वेश्चन होंगे, चार ऑप्शन होंगे, एमसीक्यू एमसीक्यू तो सारे ही होने हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन के साथ सीधा। फिर सिक्वेंसी टाइप के क्वेश्चन, सिक्वेंसी टाइप क्या है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही चार सब क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे ABCD, उनका सिक्वेंस लगाना, ए पहले आएगा या बी पहले आएगा, बी पहले आएगा या ए पहले आएगा, CD, उस तरह के सिक्वेंस होंगे, तो 10% क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे। ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, फैक्ट बेस। ठीक है, ट्रू फॉल्स में मतलब आपके पास फैक्ट बेस रहेंगे, 10% क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर 50 क्वेश्चंस का सेक्शन है। ऐसे ही ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स में, वो भी 10% होंगे। फिर मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू ही वही, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, मैचिंग करनी है, एक टेबल होगी जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 होंगे, 2 कॉलम होंगे, तो ए वाले कॉलम से बी वाले कॉलम को आपको मैच करना होगा, 5 क्वेश्चन आपके पास इस तरह के आएंगे। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मस्ट बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम क्लास 12th टेस्ट बुक। ठीक है, नोट क्लास 11, केवल क्लास 12th की टेस्ट बुक जो होगी NCERT बेस, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस दिया हुआ भी है CUET की साइट पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द बोर्ड कॉन्सेप्ट ओनली। अब देखो, जैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसमें क्या होगा, उनमें पैसिज आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन 3 टाइप पैसिज, 3 पैसिज आने हैं आपके, मैक्सिमम 300 से 350 वर्ड के होंगे, जिसमें फैक्चुअल होंगी, लिटरेसी होगी, नैरेटिव होगा, इससे रिलेटेड होंगे। हर पैसेज से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन आपके यहीं पे बन गए हैं। ठीक है, तो 3 पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज होते हैं वो। ठीक है, उनमें आपके पास वर्बल एबिलिटी भी चेक की जा सकती है, जो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है पैसेज के, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। फिर रीअरेंजिंग द पार्ट ऑफ टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस होंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करना। ठीक है, जैसे PQRS टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो PQRS टाइप के दे दिए, तो कौन सा पहले P आएगा, फिर R आएगा, किस तरह के आएंगे, उनको अरेंज करने के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे 5। फिर मैचिंग करने के क्वेश्चन आएंगे 5। ठीक है, जैसे आपको बताया था मैचिंग करनी, वो कॉलम 1 की कॉलम 2 से, करेक्ट वर्ड चूज करना,
ठीक है, जैसे इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसमें चार वर्ड दिए होंगे जिसमें तीन वर्ड गलत होंगे, एक वर्ड सही होगा। तो आपको करना है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन आएंगे 5, तो इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज में से आएंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट होगा उसमें भी होगा, उनमें वह पैसेज नहीं होंगे। ठीक है, जो आपके जो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न, वो क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं।